जिला प्रशासन की ओर से प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना के जिला स्तरीय लाभ वितरण कार्यक्रम में पालक मंत्री सुधीर मुंडलीवार ने कहा, लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना शुरू की है और इस योजना का नाम बहुत विशिष्ट रखा गया है। इससे अपनेपन का एहसास होता है, इसलिए जब तक आखिरी प्यारी बहन इस योजना का फॉर्म न भर दे तब तक घर घर जाकर जन जागरण करे। जिले के पालक मंत्री सुधीर मुंगंटीवार ने आश्वासन दिया कि यह योजना हमेशा बहनों की सेवा में रहेगी और कभी बंद नहीं होगी। वे जिला प्रशासन की ओर से प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना के जिला स्तरीय लाभ वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुंगंटीवार ने कहा कि राज्य की महिला बहनों, इन्हें किसी भी अफवाह पर विश्वास न करते हुए इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। प्यारी बहनों के बैंक खाते में हर माह 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। शेष बहन जिनका नाम दर्ज नहीं है उनके घर जाकर प्रशासन के माध्यम से आवेदन पत्र भरने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से जिले की 2,84,000 महिलाएं लाभान्वित हुई है और चंद्रपुर में भी 99% महिलाएं आवेदन पात्र हुए हैं। मोबाइल फोन पर पैसे मिलने का SMS आने के बाद महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी देखी गई वह आज शिद्दत से महसूस की जा रही है। इस योजना का पैसा 15 अगस्त से आना शुरू हो गया है और प्रदेश की 1,24,00,000 बहनों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन तक यह पैसा सभी को मिल जाएगा। इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मनपा आयुक्त जितन पालीवाल, सहायक जिलाधिकारी कश्मीरा नजीम, मनपा अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल, आयुक्त मंगेश खवले, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपक बनाई, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संग्राम शिंदे, नगर पालिका प्रशासन संयुक्त आयुक्त विद्या गायकवाड़, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम वाखरडे, आयुक्त विशाल बाघ आदि उपस्थित थे। 19 तारखेचा रक्षाबंधनाचा मुहूर्त लक्षात घेऊन 17 तारखेला पुण्यावरून माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय अजित दादा यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शुभारंभ केला। आज चंद्रपूरमध्ये ही कार्यक्रम करण्यात आला। 2,81,000 बहिणींच्या खात्यामध्ये आज 3,000 रुपये खात्यामध्ये जाण्याचा शुभारंभ झाला आहे। आनंदाचा क्षण आहे। लाडक्या बहिणींच्या चेहऱ्यावर आनंद होता। आम्हाला रक्षाबंधनाची राखी बांधून त्यांनी आपलं प्रेम स्नेह व्यक्त केला। आम्ही निर्णय केला की चंद्रपूर जिल्ह्यात बहिणींच्या व गरिबांच्या सर्व योजना याला सॅच्युरेशन मोडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देत या माध्यमातून एकही शेवटची बहीण शिल्लक राहता कामा नये। मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केलं, नवे वचन दिलं की माझ्या बहिणींच्या खात्यामध्ये नियमित 1,500 रुपये जातील। ही योजना आमच्या श्वासामध्ये शेवटचा श्वास असेपर्यंत, महायुतीच्या नेत्यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत योजना चालू राहील हे आश्वस्तानी वचन मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे। आणि तेच वचन आम्ही जिल्ह्यातील बहिणींना दिलं आहे की आम्ही असेपर्यंत, महायुतीचं सरकार असेपर्यंत कोणी माई जागा ही योजना बंद करू शकणार नाही। आम्ही छातीची ढाल करू पण कोणीही वाईट दृष्टबुद्धीने या योजनेकडे बघितलं तरीही आमच्या लाडक्या बहिणीच्या पाठीची आम्ही भाऊ सर्व शक्तीने उभे राहू हा विश्वास घेतो।